ओम शांति। आपका प्रश्न है कि ये काल अग्नि क्या है। ये काल अग्नि शब्द प्रयोग किया जाता है प्रलयकारी आग, जो सारी सृष्टि की विनाश के निमित्त बनती है। उसे काल अग्नि कहा जाता है। रुद्र को भी, शिव को भी काल अग्नि कहा गया है, क्योंकि वही आकर सारे संसार को परिवर्तन करते हैं। अग्नि का काम है शुद्ध करना, पवित्र करना, स्वच्छ करना। परमात्मा आकर ऐसा ज्ञान सुनाते, ऐसा प्यार देते कि सब आत्माएं उसके प्यार की आग में दीवाने हो जाते। काल अग्नि प्यार की अग्नि। जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो उसके लिए भी कहा जाता है काल अग्नि। इसको उसकी आग लगी हुई है, ये सिवाय उसके और किसी का कहना नहीं मानता। जब किसी और के साथ संबंध तोड़ के किसी एक के साथ संबंध जोड़ देते हैं तो उसे भी आग कहा जाता है। तो सारे संसार की आत्माएं एक परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ती हैं, क्योंकि सर्व आत्माओं को परमात्मा के साथ घर जाना है। वह आकर के ऐसी आग लगाते हैं जो सर्व आत्माएं उस सत्य को समझकर असत्य को जला देती। अपने जीवन के अवगुणों को खत्म कर देती हैं, अपने आप को पावन बना देती है। काल अग्नि का काम है पावन बनाना। रुद्र शिव बाबा आकर सारे संसार की आत्माओं को पावन बनाते, प्रकृति को पावन बनाते, सबको पावन बनाने का वंडरफुल कार्य करते। तो अब स्वयं परम पिता परम आत्मा आकर सारे संसार को पावन बनाने का कार्य कर रहे। वो काल अग्नि आ चुकी है। अब सबने उस अग्नि में स्वाहा होकर पवित्र बनकर सबके सामने स्वर्ग की स्थापना करनी है और कर रहे। और अच्छी तरह से समझना हो, इसे प्रलयंकारी आग कहते हैं, सृष्टि के नाश करने वाली आग कहते हैं, या इसे रुद्र कहते हैं। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें।